शादियों खाना हम लोग खाते हैं, एक 5-स्टार होटल में खाते हैं और ये मानते हैं कि उससे अच्छा खाना नहीं होगा। लेकिन अक्सर मैं जब मार्केट में निकलता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देख के मन ललचाने लगता है। देखिए अभी देखिए, लगता है कि किसी क्वालिटी होटल रेस्टोरेंट में, देखिए दादा है ये, ये देखिए दादा बना रहे। दादा क्या नाम है आपका? मस्तराम यादव। दादा का नाम ही मस्तराम यादव है। देखिए कितना जोरदार जोरदार, देखिए ये देखिए साथ थाल वगैरह लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे दादा? ये एक थाल लग रहा है। अच्छा थाल लग रहा है। थाल आपका कितने रुपए का आता है? 50 रुपए का। देखिए बात 50 रुपए में, जितने में बड़े होटल में GST देनी पड़ेगी उतने में ये पूरा खाना तैयार कर देते हैं। देखिए देखिए अभी देखिए कुछ कढ़ाई में, पता नहीं क्या कढ़ाई की तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ मेरा। क्या क्या लहसुन वहसुन क्या डाल क्यों भैया कढ़ाई? दाल फ्राई बन रही है। अच्छा दाल फ्राई करके देते हो? अच्छा भाई दाल फ्राई के नाम पर तो मुझे ढाबे वाला याद आ गया। ढाबे में जो तड़का लगा के दाल देते हो वैसे ही आप लोग देते हो? ओके ओके, वाह यार तुम तो बड़े कलाकार आदमी हो। रोड में तो लगता नहीं कि ऐसा भी होगा। देखिए ये मैं हूँ बालागंज चौराहे पर, ये यादव भजे यादव भोजनालय साथियों। ये देखिए देखिए इस तरीके से, देखिए ये दाल फ्राई है। क्या है इसमें? क्या है? क्या है? दाल है छौकी वाली। देखिए ये देखिए दाल तड़का बाकायदा जीरा वीरा डाल के ऐसा लगाया है कि मैंने कई बार जो है होटल पे खाया है तो वहाँ ढाबे पर तो शायद ऐसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ देखिए 50 रुपये। ये देखिए 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 वही रोटी है जो घर में जैसे हम चूल्हे में बनती हैं बिल्कुल उसकी याद ताजा। पनीर वनीर नहीं रखते हो तुम लोग? पनीर रखते हो? और निकालो जाओ, ओ इतना गाढ़ा पनीर है। अच्छा ओ हो वाह भर जाए पीस, इतना बड़ा बड़ा पीस। तो ये पनीर के साथ, पनीर के साथ ये प्लेट क्या रुपए का देते हो? ये 100 रुपए का थाल होता है। अब देखिए साथियों, देख मैं वो बालागंज चौराहे पर, ये यादव भोजनालय है। पनीर मार्केट में लो तो हाफ प्लेट पनीर 100 रुपए की ऐसे मिलती है, और यहाँ पर ये 100 रुपए थाल होता है पूरा। 100 रुपए में पूरा थाल? थाल में क्या क्या देते हो? 4 रोटी होती, मटर पनीर, दाल फ्राई, सूखी सब्जी, अचार, सलाद। चार रोटी, सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, दाल फ्राई, चावल, चावल, सलाद, अचार, अचार, रायता। अब मैं तो गिनी नहीं पा रहा हूँ जितने आइटम इन्होंने गिना, उसको गिनाने में तो मुझे लग रहा है कि किसी बड़े होटल में जाओगे तो 400-500 रुपए का जो है ये थाल बनेगा। देखिए अच्छा ये क्या कहते हैं, ये तेल घी वगैरह कैसा यूज करते हो? कड़वा तेल। कड़वा तेल देखिए। अच्छा ये पीला तेल, ये देखिए कड़वे तेल में बनी हुई सब्जी। ये देखिए ये क्या भैया, इनके यहाँ का कैसा खाना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्या रेगुलर खाने आते हैं? अच्छा अच्छा, सब्जी बढ़िया होती है, दाल बढ़िया होती है? देखिए यहाँ जो खाने वालों की देखिए पंक्ति लगी हुई है, ये देखिए लाइन से जो है, ये देखिए जोरदार। ये देखिए ये बालागंज चौराहे पर है यादव भोजन। ये देखिए देखिए बाकायदा पैक भी किया है। देखिए ये क्या बांध के रखे हो यार? ये थाल। अच्छा ये चावल आवाल एडवांस में बांध के रखा है कि? ये देखिए देखिए, चलो वाह साथियों, मैं हूँ संतोष थाल, आज कवरेज कर रहा था आपके लिए एक यादव भोजनालय जो बालागंज में है, और जो समाज का एक वर्ग जो निम्न वर्ग को भूख प्रदान, भूख में जो है खाना प्रदान करता है और कम पैसे में, उसके लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मिलता हूँ।